जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एस नाम वाले लोगों के बारे में, यानी जिनका नाम अंग्रेजी के यस अक्षर से शुरू होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनका वर्ष 2022 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध किस तरह का रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एस नाम वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध वर्ष 2022 में किस तरह के रहेंगे, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो यश नाम वाले लोगों के लिए 2022 में प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना नजर आ रही है। इस साल आपको प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी और धीरे धीरे से आपके प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी और इस दौरान आपका साथी भी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। और ये वर्ष यश नाम वाले जातकों के प्रेम संबंधों में अनुकूलता ला सकता है, क्योंकि इस वर्ष आप पूर्ण रूप से अपने प्रेमी प्रेमिका को खुश रखने में सक्षम भी होंगे, जिससे आपका रिश्ता और अधिक बेहतर बन सकेगा। इस वर्ष आपके रिश्ते में प्रेम की अधिकता भी साफ देखी जाएगी, जिससे कई जातक अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने जीवन साथी के रूप में चुनते हुए आगे बढ़ने का फैसला भी ले सकते हैं। इसलिए आपको इस दौरान सबसे अधिक अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने और किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद 13 अप्रैल से परिस्थितियां बदलेंगी और कुछ प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेम बंधन को विवाह बंधन में बंधने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके बाद 2 जुलाई से आपको सबसे अधिक अपने प्रेमी या प्रेमिका की बातों को समझने की ओर अपने प्रयास सबसे अधिक करने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके आप अपने बीच की हर गलतफहमी और हर व्यर्थ के बाद विवाद को दूर करने का प्रयास करेंगे और आपके संबंध मधुर होंगे। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहित जातकों के लिए वर्ष 2022 मिला जुला रहेगा और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपको अपने साथी के साथ वाद विवाद से बचना होगा। आपको जीवन साथी की तरफ से प्रेम और सहयोग मिलता रहेगा। अपने रिश्ते में नएपन का अनुभव भी कर सकेंगे और पहले का कोई अगर विवाद चल रहा था तो जनवरी के महीने में आप उसे सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी से लेकर अप्रैल तक भी जीवन साथी और ससुराल पक्ष से आपको थोड़ा बहुत तनाव मिल सकता है। खास तौर से मार्च के महीने में आपके रिश्ते में गलतफहमियां थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ तनाव भी हो सकता है। हालांकि जून और जुलाई के महीने में आप दोनों के बीच तालमेल देखने को मिलेगा, जिसके बाद खासतौर से सितंबर के महीने में आप दोनों के बीच फिर से प्रेम और रोमांस की वृद्धि होगी। इससे आप दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप दोनों एक साथ किसी धार्मिक यात्रा या किसी अच्छे स्थान की यात्रा पर घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। इस यात्रा से आप दोनों के बीच प्रेम की भावना और भी अधिक बढ़ सकती है। तो मित्रों, आज मैंने आपको यश नाम वालों के वर्ष 2022 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की। ये राशिफल बहुत ही सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।